लैंग्वेज की डेफिनेशन की जाती है वो यही होती है कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी समझ आ रही है, आप बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ आ रही है। इट मीन्स कि जब हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ आने लग पड़े, उसको हम कहते हैं कि हम किसी जुबान में बात कर रहे हैं। दैट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो अल्फाबेट्स, सिंबल्स, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, रूल्स, सिंटैक्स, इन सब का ना ये कम्बिनेशन होती है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है। अब इंग्लिश है, ये किसी ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है, इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरह के इसके फिर आगे सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि ये रूल्स होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं करोगे, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एरर आ जाता है, राइट। अब उसके बाद आती है जी कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है किसी भी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अब उसके बाद आता है जी इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ये जस्ट आपने चीज़ें सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, नहीं भी पढ़ी हुई फिर भी आप उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हैं ना वो इनके साथ रिलेट हैं, वो वन बाय वन एक जगह स्टेप बनते जाएंगे, हम उनमें फिर इजीली काम करते जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, इस तरह की टाइप्स की बात करूँ। ये तीन तरह की होती है। नंबर वन, लो लेवल लैंग्वेज। नंबर टू, मिडिल लेवल। नंबर थ्री, हाई लेवल। ठीक है, अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ना आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है। जो लो लेवल होती है, ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज़ वेरी क्लोजर टू मशीन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। दैट इज ऐसी जुबान जो बिल्कुल कंप्यूटर के नियर बाई होती है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में काम करना ह्यूमन के बस की बात नहीं होती। अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज में काम करना है तो उसके लिए आपको ना असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और आजकल के दौर में असेंबली लैंग्वेज ना किसी को आती है, ना ही कोई सीखता है, ना इसमें किसी का इंटरेस्ट होता है। इट मीन्स कि ये जो सी लैंग्वेज है ना, इसमें काम करना इंतहाई मुश्किल होता है, राइट। अब उसके बाद आती है मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्लोजर टू ह्यूमन एज वेल एज क्लोजर टू मशीन होती है। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज आई थी मिडल लेवल, दैट इज़ कॉल्ड सी लैंग्वेज। आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, इससे जो नीचे वाली लैंग्वेज थी वो सी प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस बोथ आर सेम, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सी प्लस प्लस भी जो सी ये भी मिडिल लेवल में आती है, क्योंकि ये आपको हार्डवेयर के भी बड़े रिलेट कर देती है। आप उसमें भी इजीली बैठ कर सी प्लस प्लस में हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इसमें आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है, इसलिए इसको इस कैटेगरी से निकाल कर इन्होंने हाई लेवल में डाल दिया हुआ है, राइट। मिडिल लेवल लैंग्वेज की समझ आई? ऐसी लैंग्वेज जो हमारे इंसान के भी ज़्यादा करीब हो और कंप्यूटर के भी ज़्यादा करीब हो, उसको हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के करीब तरीन हो, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी आप काम करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, इंग्लिश के कुछ आप सिंटैक्स यूज़ कर रहे होते हैं, अब ये आपको पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है, लेकिन आपने जो चीज़ खुद टाइप की है, जो चीज़ आपने कोड लिखा हुआ है, वो अब आपने अपना कोड बताना होता है कंप्यूटर को कि मैंने ये काम किया और इसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट जनरेट करो। आपके कोड को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं जानता कि आपने क्या लिखा है। अब उसके लिए ना आपके लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में एक मिडल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने कभी चाइनीज़ को देखा हो ना, तो वो अपनी लैंग्वेज की जो यूज़ करते हैं ना, वो चाइनीज़ में तकरीर करते हैं, लेकिन साथ में उनके ट्रांसलेटर होता है जो चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, वो तीसरे बंदे को समझ आती है, वो फिर
फिर जो तीसरा बंदा होता है, जब उसने उस बात का रिप्लाई देना होता है वो इंग्लिश में देता है, और जो ट्रांसलेटर होता है वो इंग्लिश को चाइनीज में कन्वर्ट करके आगे उसको चाइनीज में जवाब दे देता है। यानी कि चाइनीज और इंग्लिश वाला जो मैन होता है वो दोनों आपस में बैठ कर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब सिमिलरली ये जो हाई लेवल लैंग्वेज की मैंने बात की कि आप कोड लिखते हो हाई लेवल में, आपने बताना है कि जी मैंने जो कोड लिखा है उसको मशीन में कन्वर्ट करो, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वन इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर एंड वन इज़ कॉल्ड कंपाइलर। आप क्योंकि काम करते हैं, आपने जब भी अपना कोड सी प्लस प्लस में लिखा होगा, आप उसको कोड लिखने के बाद रन करते हैं और हमेशा आपको यही कहा जाता है कि आप अपने कोड को कंपाइल करो कंपाइल करो कंपाइल करो। मीन्स इसमें जो ट्रांसलेटर होता है ना वो कंपाइलर होता है, और जो इंटरप्रेटर होता है ना वो भी किसी दौर में यूज होता था, लेकिन अब ये सी प्लस प्लस के साथ में यूज होता, दूसरी लैंग्वेजेस में ये यूज होता है अभी भी। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। टेक्निकली डिफरेंस तो ये होता है कि काम तो दोनों एक ही कर रहे होते हैं, इंटरप्रेटर ने भी आपके कोड को उठाकर मशीन के करीब बता देना है कि भाई ये बंदा ये कह रहा है, कंपाइलर ने भी यही कहना है कि जी जिस बंदे के ने हाई लेवल कोड में काम किया है उसका ये मतलब ये है। लेकिन दोनों में फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क इधर आता है कि जो इंटरप्रेटर होता है ना ये आपके कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। सपोज दैट आपने अपना कोड लिखा, उसकी 100 लाइन्स है, आपने इंटरप्रेटर के जरिए अपने कोड को कंपाइल करना स्टार्ट किया और 90 लाइन पे जाकर ना, यानी कि 92 लाइन पे जाकर एरर आ गया, वहीं पे जाकर ना एग्जीक्यूशन सारी की सारी स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया जी, एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, जो नीचे 8 लाइनें हैं ना वो कंपाइल नहीं होंगी, वो वहाँ पे रुक जाएगा, एरर आ गया। उसने आपको कहना है कि जी इस लाइन में एरर है, आप इस एरर को पहले रिमूव करो। आपने एरर को रिमूव किया, देन फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन उसने दोबारा से उसको ना कंपाइल करना स्टार्ट किया, उसको कन्वर्जन उसकी स्टार्ट की, ठीक है। वो दोबारा से गया आगे जाकर, उसको एरर 99 लाइन पर दोबारा से मिल गया, उसने फिर वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी, उसने आपको कहा कि एरर रिमूव करो। जब एरर रिमूव किया फिर उसने वेरी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, यानी कि इंटरप्रेटर जो सा है ये आपके कोड को लाइन बाई लाइन चेक करता है, जैसे ही जिस लाइन पे एरर मिलना है उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देनी है, जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करोगे वो नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं करेगा। ये हो गया जी इंटरप्रेटर। अब उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है जी, कंपाइलर ये काम करता है कि आपने जो कोड लिखा होता है ना उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, टेक्निकली कोड का नाम सोर्स कोड होता है, यानी कि वो आपके कोड को उठाता है एक ही दफ़ा कंपाइल करता है, उसमें 6 एरर हैं या 16 एरर हैं या एरर नहीं है, एक ही दफ़ा वो कंपाइल करेगा, जितने एरर होंगे वो आपको एकदम से बता देगा अभी इसमें इतने एरर हैं, आप अपने एरर्स को रिमूव करते हो, उसके बाद आपका कोड जो है ना वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस आया, दैट इज़ के सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलर बेस्ट है, और जो एडवांस लैंग्वेजेज हैं जैसे सी शार्प, इनमें इंटरप्रेटर जो सा है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। दोनों के अपने अपने जहाँ पे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इन दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन क्योंकि हमें कंपाइलर में ज़्यादा एडवांटेज नज़र आता है, एक ही दफ़ा हम अपने 5,000 लाइनों का कोड कंपाइल करते हैं वो हमें एरर बता देते हैं, इसलिए हम कंपाइलर को फिर यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। अभी मैंने आपको जितनी ये थ्योरी बताई है इसमें सिर्फ दो काम की बातें मिली हैं, एक तो हमें पता चल गया कि एक हम जो कोड लिखते हैं ना दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, देन सोर्स कोड को कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, वन इज़ कॉल्ड कंपाइलर, सेकंड वन इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये दो काम की बातें हमें पता चली हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टेक्निकली वर्ड्स हैं, जैसे मैंने अभी सोर्स कोड का नाम यूज़ किया है, सोर्स कोड के बाद फिर मैंने आपको बताया जी कंपाइलर, वो मैंने आपको उसका बता दिया, फिर मैंने लिखा इंटरप्रेटर, वो भी मैंने आपको बता दिया। देन आप जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल कर लेता है ना, उसके बाद जो एक नया कोड जनरेट होता है ना उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। शायद आपको पता हो, यहाँ तक आपने स्टोरी सुनी होगी जी, कि कंपाइलर का आपके कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी भाई, ये मैंने वैसे छोटा सा कोड लिखा है, इसकी सिर्फ ये कि आपको समझाने लगा हूँ कि अब ये है क्या।
जी, ठीक है। आपने एक अपना कोड लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, एरर फ्री आ गया। आपके सामने ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, यानी कि आउटपुट विंडो आपके सामने खुल के आ गई। आप खुश हो जाए तो जी मैंने कोड लिखा, मेरा चल गया, मेरी आउटपुट आ गई, इट्स ओके फाइन। लेकिन आपको ये पता कि आपका कोड किन किन मरहलों से गुजर के आया है, बैक एंड पे क्या काम हुए हैं। आप जैसे ही कंट्रोल F9 करते हो ना, तो आपको मेरा लगे विद इन 2 या हार्डली 1 सेकंड में आपके सामने आउटपुट स्क्रीन नज़र आ गई होती है, आपको आउटपुट नज़र आ रही होती है। अब उस 1 सेकंड में वो किन मरहलों से गुजर के आ रहा होता है, ये जो कोड लिखा होता है ना, आप जो भी अपनी कोडिंग करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, दैट इज़ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये सोर्स कोड की डेफिनेशन है। ये साथ साथ बेशक नोट करते रहें, या बाद में फिर ये कि आपको वीडियो सुननी पड़ेगी, देन आपको जाके पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं जी। ठीक है, अब सोर्स कोड के बाद हमने उसको कंट्रोल F9 किया, दैट इज हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब कंपाइल क्या करते हैं जी, कंपाइलर क्या कहते हैं जी, ट्रांसलेटर है विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इन टू ऑब्जेक्ट कोड। हमारे लिखे गए कोड को जी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब नई चीज़ मिल गई जी कि वट इज ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मैंने बताया कि वो कोड होता है जो नियर टू मशीन होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है जी, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब चलते हैं जी, इधर आ जाओ। ये मैंने एक आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया था, ये आपका सोर्स कोड है, इसको आपने कंपाइल किया, ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बन गया। और मोस्टली आपको ना यहाँ तक ही पता होगा ऑब्जेक्ट कोड तक ही, कि आपने सोर्स कोड लिखते हो, कंपाइल करते हो, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन के बाद क्या होता है, आपका कोड ये जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड बनता है ना, ऑब्जेक्ट कोड आगे लिंकर के पास चला जाता है। ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे चल रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। ठीक है, लिंकर के पास जाता है ना, वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, एग्जी फाइल इसकी बन जाती है। एग्जी फाइल जब बनती है ना, तो यही फाइल ऑटोमेटिकली लोडर के पास चली जाती है। लोडर जो सा जी इस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, और साथ ही आपके सामने ये आउटपुट स्क्रीन जो होती है ना, ये डिस्प्ले होके आ जाती है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी आउटपुट चल रही होती है। अब इसमें मैंने एक ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, सोर्स कोड, व्हाट इज सोर्स कोड, कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ होता है जी, कोड नियर टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अब व्हाट इज लिंकर एंड व्हाट इज एग्जी फाइल। लिंकर क्या होता है, लिंकर ये बेसिकली ये कह लें कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लिंकर इट कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, ठीक है, ये एग्जी फाइल में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लोडर के पास आता है, एंड व्हाट इज लोडर, इट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी एंड डिस्प्ले इट, राइट। आपने जैसे ही अपने कोड को कंपाइल प्लस रन करते हैं, उसके बैकएंड पे ये सारे प्रोसीजर चल रहे होते हैं, और आपको ये सिंपल एक ब्लैक से विंडो नज़र आ रही होती है, जिसके अंदर आप अपनी आउटपुट को देख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो वह पूछें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी पूछें। अब इसके नीचे मैंने ये चीज़ें लिख दी हुई हैं, सोर्स कोड, प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड नियर टू मशीन लेवल लैंग्वेज, लिंकर कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। एग्जी फाइल क्या होती है, आप हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, हमेशा एग्जी फाइल को ही आप रन करते हो। एग्जी फाइल की क्या डेफिनेशन है, विच अकर्स एज एन आउटपुट फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑन दी आउटपुट। उसके बाद आता है जी लोडर, इट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन टू द मेमरी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पॉइंट थे आज के लेक्चर के, जो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। यहाँ तक आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड तक ही पता होता है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद लिंकर इन्वॉल्व होता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल, देन उसके बाद लोडर। ये 3 चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, वो आप उनको ना बाद में बेशक सुनने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा और लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी, और तो इसमें भी ज़्यादा चीज़ें हैं बताने वाली, लेकिन क्योंकि हमने अब उसकी प्रिपरेशन भी करनी है कोर्स की, तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ दोबारा से। अब आप जितने भी अपने प्रोग्राम्स राइट करते हैं ना, वो आप इस स्ट्रक्चर में करते हैं।
इसमें आप आपकी जी स्टेटमेंट्स आती हैं और ये आप रिटर्न जीरो लिखते हैं, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर में सारे का सारा काम करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अलावा ये जो उनसे स्ट्रक्चर है ना, ये भी वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिटर्न स्मॉल में आता है। आपने कभी ये देखा कि इंटीजर से पहले मेन ही क्यों लिखा जाता है, सेकंड इसके लास्ट पर रिटर्न क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? अब जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, आप वो सारे जहन में रखिएगा और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे ना आप क्लियर हो जाएंगे। जो इंटीजर का सबसे मेन सिंटेक्स होता है ना, वो बेसिकली ये वाला था जो मैंने अभी आपके सामने राइट किया ना। ये होता है इंटीजर मेन, मेन के अंदर दो आर्गुमेंट्स पास हो रहे होते हैं, वन इज कॉल्ड ए आर जी सी, सेकेंड इज कॉल्ड ए आर जी वी। इंटीजर ए आर जी सी की टाइप इंट होती है, जो दूसरा वाला होता है वो करेक्टर में पास हो रहा होता है, देन उसमें अंदर स्टेटमेंट आती है और लास्ट पर रिटर्न जीरो आता है। अब मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली ये लाइन क्या होती है, टाइप तो मैंने नो डाउट आपको करके बता दी है। ये जो ए आर जी सी, जी सी एंड ए आर जी वी, ये सब स्मॉल में है, दीज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आर्ग्यूमेंट्स ही है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट काउंट, एंड ए आर जी वी दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट वैल्यू। क्लियर, इनका क्या पर्पस है, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, मोस्ट जब हम आगे चले जाएंगे, अगर तो टाइम मिला तो मैं आपको ना डीएलपी में काम करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड डॉस लेवल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे बैठ के ना पूरे सिस्टम को आप ना अपने सामने ओपन करके देख लोगे कि इसमें डायरेक्टरी में क्या पड़ा हुआ क्या नहीं पड़ा हुआ, ये चीज़ें वहाँ पर जाकर ना आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अभी भी मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ, इनका बेसिकली काम क्या होता है। अब में से उन्होंने सीएमडी में तो काम किया ही होगा ना, कमांड में। अभी देखेंगे ये कुछ मेरे सामने डॉस में ये ओपन होके आ रहा है, सी कलन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी आई आर स्पेस एस्टेरिक डॉट एस्टेरिक। मैंने इसमें ना दो आर्गूमेंट्स पास किए हैं, डी आई आर एंड एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। ये जो मैंने डी आई आर और एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक लिखा ना, ये बनते हैं दो। ये जो आर्गूमेंट जी सी है ना, ये इसने अपने पास दो होल्ड कर लेगा, उसके बाद ये जो डी आई आर, ये इसकी आर्गूमेंट वैल्यू है, उसके बाद एस्ट्रिक डॉट एस्टेरिक है, वो भी ए आर जी वी में स्टोर होती है। क्योंकि अब जब हम अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, हम उसमें आप कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, उसके बाद आप फर्दर काम करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आपने किसी को अपनी एग्जी फाइल देनी होती है, उसने इसको डॉस में जाकर चलाना होता है, वो डॉस में जाता है या सी एम डी में जाता है या लिनिक्स में जाकर चलाता है, तो वो लिनिक्स में काम इस तरह होता है, स्पेसिस के साथ डी आई आर स्पेस एस्टेरिक डॉट एस्टेरिक एंड अप टू सो ऑन। अब इसके ऊपर कुछ जो पेशेंट परफॉर्म होते हैं ना, वो रिजल्ट तो हर बात की बात है, बेसिकली काम इनके साथ था, डी आई आर एंड इनके साथ काम था। ये मैंने दो पैरामीटर पास किए थे, अगर आपने इसको पेज वाइज देखना है तो वो आपको इस तरह दिखा, मैंने इसमें तीन पैरामीटर पास कर दिए। जैसे ही मैं इसमें तीन पैरामीटर पास करूंगा, तीन जो उनसे है ना काउंट उसने किए, इसने कितने आर्गूमेंट पास किए, तीन की हैं, उसकी जो वैल्यू है ना वो ए आर जी सी में चली जाएगी तीन की। अब हर आर्गूमेंट जो मैं दे रहा हूँ ना डी आई आर, वो पहले उसके जीरो इंडेक्स पे चला गया, जो एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक है वो वन इंडेक्स में चला गया, और स्लैश भी वो उसके तीसरे इंडेक्स में चला गया, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली इनका पर्पस होता है, ए आर जी सी का एंड ए आर जी वी का ये पर्पस होता है। देन उसके बाद ये स्टेटमेंट्स, या मोस्टली फेमिलियर है कि हम सारी कोडिंग इसमें बैठ के करते हैं, और रिटर्न जीरो से भी आप फेमिलियर है कि इसमें हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है जी। समझ आई आपको इस बात की कि नहीं आई, ये जो भी मैंने इतनी डिटेल में बात की है ना, सिर्फ इसमें बताने का पर्पस ये था कि आपको ए आर जी सी और ए आर जी वी का पता चले,
और मेन के जो मेन स्ट्रक्चर है ना उसका आपको पता चले। और मेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो यही है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर ना ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जिन्होंने C++ बनाई थी ना बजर्निस्ट रॉबसन ने, उसने इसका ये वाला स्ट्रक्चर दिया था कि आप इसमें बैठ के काम करें। अब इसका बेनिफिट स्टडी लेवल पे तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप प्रोफेशनली जाते हैं तो प्रोफेशनली इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है फिर। क्लियर? अब हम चलते हैं जी, ये था इसका पहला स्ट्रक्चर जिसमें आप लोग काम करते हैं। अब उसके बाद आता है जी इसी का दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर को आप इस तरह लिखते हैं जी, दिस वन, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखते, पता चल जाएगा, छोड़ें। ठीक है, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखते, इंटीजर मेन, और उसको एज इट इज पास कर देते हैं, नीचे आप स्टेटमेंट्स देते हैं, रिटर्न जीरो करवाते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके अंदर भी आप काम कर लें फिर भी ठीक है। देन अगर आपने ये इंटीजर मेन और इसके आर्गुमेंट्स के अंदर आपने वाइड पास करना है वो भी ठीक है, ठीक है, वाइड आपने पास करना है तो वो भी ठीक है। वाइड का मतलब सब चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी, क्लियर। इंट मेन वाइड रिटर्न जीरो, ईच एंड एवरीथिंग मैं ना आपको स्ट्रक्चर्स दिखाने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अब उसके बाद आता है जी आप मेन से पहले भी इंटीजर ना लगाएं, आप बिल्कुल मेन से पहले इंटीजर ना लगाएं, इसको आप एज इट इज राइट कर दें, ये फिर भी बिल्कुल चलेगा, ठीक है, या आप इसी को राइट कर लें और मेन के अंदर आप वाइड पास कर दें फिर भी ये चलेगा, ठीक है। यानी कि ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इंटीजर मेन, इंटीजर मेन वाइड, सिंपल मेन एंड सिंपल मेन वाइड। उसके बाद आप जो आप लिखते हो जी वो आप काम करते हो जी, वाइड मेन में भी आप काम कर लेते हो, लेकिन अगर आप डेव सी में काम कर रहे हो तो उसमें ये वाइड मेन जो सा है ना ये वाला वो शायद मेरा सपोर्टेड नहीं है डेव सी में ना, और अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं उसमें ये सपोर्टेड है। वाइड मेन ब्लैंक छोड़ दें या आप उसके साथ कर लें, जब आपने वाइड में आना तो फिर आपने रिटर्न नहीं लिखना होता, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं फिर, सही है। यानी कि ये इसके 6-7 स्ट्रक्चर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। अब ये तो आपको स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा दिए कि या तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें, किसी भी स्ट्रक्चर में आप काम करेंगे ना एट दी एंड आप सबकी आउटपुट सेम आएगी, किसी की आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप किस स्ट्रक्चर में काम करते हो और किस स्ट्रक्चर में आपने काम नहीं करना। क्लियर? मैं मोस्टली जो काम करता हूँ मैं इसमें भी कर लेता हूँ, इसमें भी कर लेता हूँ या इसमें भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितना आप जिसको जितना सूटेबल लगे वो उसमें काम करे। अगर आपने कभी डेव सी में गौर से पहली लाइन देखी हो ना तो जो बाय डिफॉल्ट वो टाइप करता है वो इसी लाइन को टाइप करता है, लेकिन हम इसको हटा कर इसके आर्गूमेंट्स में कुछ भी नहीं देते और उसको हम एज इट इज काम करना शुरू कर देते हैं। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिसके अंदर ये आर्गूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली है क्या चीज़ें, एक एक चीज़ की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होती है जो मैंने आपके सामने ठीक है वो मैंने बता दिया आपको रिफत की आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप उसको किस में यूज करो किस में ना करो। ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ना ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, तो मैं भी कभी यूज कर लेता हूँ कभी नहीं करता, मोस्टली मैं इसमें काम करता हूँ, मैंने जब आर्गूमेंट्स पास नहीं करने होते तो अंदर वाइड लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे ना आपकी आउटपुट पे किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपकी 100% ओके होगी। अब चलते हैं जी, अब हम आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ, कि एक्सप्लेन करते हैं कि अब ये चीज़ें हैं क्या। आप उसमें आते हो, राइट करते हो प्रोग्राम, काम करते हो और चले जाते हो, लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आप इनमें काम तो करते हो लेकिन अब इनका पर्पस क्या है, ये मेन क्या चीज़ है, रिटर्न जीरो क्या चीज़ है, इंटीजर क्या है, ये ब्रैकेट क्या चीज़ें हैं, ये क्या है,
देन उसके बाद ये टर्मिनेटर है, ये क्या चीज़ है, ये जो आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं। आर्गूमेंट्स का तो मैंने आपको डिटेल में बता दी है, बाकी जो रेस्ट ऑफ दी चीज़ें इनमें आपको नज़र आ रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब यहीं से अब आपने ना इसको नोट डाउन करना शुरू करना है, इंपॉर्टेंट बातें अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होंगी जी, कि अब ये है क्या क्या। अब मैं जो टाइप करता जाऊँगा वो आप सब देखते जाइएगा, किसी को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले हम करते हैं जी के मेन क्या चीज़ है जी, ये मेन तो आपने लिख दिया, एंड व्हाट इज मेन। नंबर वन, मेन इज रिजर्वड, क्लियर। से किसी ने ICS किया हुआ ना तो उसको पता होगा कि उधर भी हम सी में भी ये मेन जो सा ना सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का, सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का ना ये मेन फंक्शन होता है। नंबर टू, नंबर थ्री इसका प्रोग्राम आता है जी, डिफॉल्ट जो मेन की रिटर्न टाइप होती है ना दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फोर्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कंट्रोल F9 करते हैं आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, हमें तो पता चलेगा जी कि मेन जो है ना ये सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है। अब मेन को कॉल कौन करता है, मेन हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल किया जाता है। ठीक है, और जी आप जो लास्ट पे रिटर्न 0 लिखते हो ना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिटर्न होता है, दैट इज मेन इज ए पेरेंट शेल ऑफ एवरी सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम और मेन के बगैर कोई भी फंक्शन जो सा है ना वो कॉल नहीं हो सकता, इवन कि आपका प्रोग्राम भी जो सा ना वो रन नहीं हो सकता। और मेन की ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्बिलिटी भी यही है या इसकी फंक्शनैलिटी भी यही है कि कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर जब भी आप कॉल हो करते हैं या होता है वो डायरेक्टली उसको मेन ही कॉल करता है या इनडायरेक्टली भी वो मेन ही के थ्रू कॉल होता है। यानी है कि आपने उसको अगर मेन में कॉल नहीं की तो वो फंक्शन किसी और के थ्रू कॉल हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने कोई भी फंक्शन बनाया या प्रोसीजर बनाया दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन सॉरी। ठीक है, अब एक तो चीज़ ये आपको मैंने बता दी, ये होती है मेन के साथ। अब देखते हैं जी कि हमने इसके आर्गूमेंट्स में भी ना एक चीज़ पास की थी, मेन वाइट के साथ, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो जी आपको देखने में। फिर मैंने लिखा था जी मेन वाइट के साथ फॉर्मेट दिस वन। अब ये मेन वाइट ये स्टेटमेंट सिर्फ ये बताती है कि आपने मेन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना। ठीक है,
कंटेन्स नो आर्गुमेंट। बाकी अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसका भी मतलब यही है, आपके लिए इसका मतलब यही है कि जी आप इसके अंदर आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन जो कंपाइलर है उसके लिए मतलब ये है कि शायद आपने आर्गुमेंट बाद में पास करने हैं, या शायद आप आर्गुमेंट पास करना भूल गए हैं, या शायद आपने आर्गुमेंट लेने नहीं थे। यहाँ पे शायद का वर्ड आ जाए, वहाँ पे हमेशा आपने इसको वाइड बताना था कि कंपाइलर को पता चले कि आपने इसमें कोई भी जो सा है ना जी आर्गुमेंट नहीं देना। उसके बाद ये आती है ब्रैकेट, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट लिखते हैं ना आप, ये वाली, ये इसको हम कहते हैं ओपन कंपाउंड। इस कॉल्ड ओपन कंपाउंड, दैट इज सी सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम है ना वो यहीं से शुरू होगा। उसके बाद आपकी आती है जी ये वाली ब्रैकेट, इज कॉल्ड क्लोज कंपाउंड, दैट इज सी सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम है ना वो यहाँ पे जाके बंद हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, इसके ऊपर आप जो मर्जी लिखें, यानी कि इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान में आपने काम करना है। अब इसके बाद आता है जी, ये आप लिखते हो सेमी कॉलन या टर्मिनेटर, इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड टर्मिनेटर। ये कंपाइलर को ये बताती है कि यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट जोन सी है ना वो एंड हो रही है, ठीक है, खत्म होगी। अब टर्मिनेटर के बाद जो आप काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद चलते हैं जी आगे, उसके बाद आप लिखते हैं रिटर्न का वर्ड आप यूज करते हैं, व्हाट इज रिटर्न। आप चलते हैं जी इसकी डेफिनेशन पे, रिटर्न नंबर वन, रिटर्न इज अ रिजर्व वर्ड, यूज्ड टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ठीक है जी, अब आपने हर प्रोग्राम में एंड पे ना रिटर्न जीरो मेंशन किया होता है, ये जो बल्कि जहाँ पे हमने इंटीजर के साथ किया ना उधर देखते हैं, ये जो आप रिटर्न इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आप रिटर्न लिखते हो ना और जीरो लिखते हो, जीरो आपका इंटीजर कंसिडर होता है, और यहाँ पे आपने मेन की जो टाइप दी है ना वो भी इंटीजर होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे रिटर्न के बाद आप कोई भी डिजिट लिखोगे ना वो उस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने मेन से पहले दी होती है। रिटर्न जीरो, जीरो मीन्स कि आपने मेन से पहले कोई इंटीजर वैल्यू दी है, इसलिए यहाँ पे आप लिख ले हो जीरो। अब यहाँ पे मैंने एक मेन के बारे में लिखा था कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन इज इंटीजर, ये जो लिखा ना मैंने, अब ये वाला सिंटैक्स, इसमें मैंने मेन से पहले कुछ भी नहीं बताया, इंटीजर भी नहीं लिखा, वॉइड भी नहीं लिखा, और लास्ट पे मैं उसको बता रहा हूँ रिटर्न जीरो। ये जो रिटर्न जीरो है ना ये मैंने क्यों लिखा है, उसका आंसर ये है कि मेन की रिटर्न टाइप जो बाय डिफॉल्ट कंसीडर होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम या इसको कंपाइलर कंसीडर करता है, दैट इज इंटीजर, यानी कि उसकी बैक साइड पे इंटीजर जो सा है ना वो ऑटोमेटिकली ही कंसिडरेबल है कि मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, बाय डिफॉल्ट इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जाकर रिटर्न जीरो लिखा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स अराइज करते हैं कि भाई आप रिटर्न जीरो ही क्यों लिखते हो, रिटर्न वन क्यों नहीं लिखते, रिटर्न टू क्यों नहीं लिखते है? आप रिटर्न वन लिखे हैं, रिटर्न टू लिखे हैं, रिटर्न थ्री टू सेवन सिक्स सेवन लिखे, जो आपका दिल करता है ना आप वो लिखें, आपका प्रोग्राम रन होगा विदाउट एनी एरर। यहाँ पे इसका नाम है, आपको करके भी बताता हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने इधर रिटर्न इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10987। अब मैं इसको रन करता हूँ, ना मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आना है, ना मेरे प्रोग्राम में उसने कोई वार्निंग देनी है, ना ही उसने मुझे इंडिकेट करना है कि जी आपने ये क्या कर दिया है। ठीक है, 10987 उसने मुझे इसके साथ भी वेलकम बता दिया। अब 10987 बेसिकली क्योंकि एक इंटीजर था इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, लेकिन दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। क्लियर? या आपने अपनी सहूलत के लिए तो ठीक
ठीक लिखा है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता कि ये 10987 क्या जिस बंदे ने लिख दी है। अब रिटर्न जीरो जो बेसिकली हम राइट करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि ये कंपाइलर को बताती है कि मेरा सारा प्रोग्राम चल गया विदाउट एनी एरर, इट इज गोइंग टू एग्जिट। रिटर्न जीरो जो मतलब होता है ना, स्पेसिफिक वर्ड होता है। अब अगर आपने रिटर्न जीरो के अलावा कोई भी वर्ड लिखा है, वन लिख दी है, -1 लिख दी है, 10987 लिख दी है, ये कंपाइलर इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता है कि ये सारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेट हो रहा है ना, ये किसी एरर की वजह से बंद हो गया, या इस प्रोग्राम में कोई एरर था इस वजह से इसने रिटर्न जीरो नहीं किया, बल्कि किसी और वैल्यू की वजह से ये प्रोग्राम आपका ना टर्मिनेट हो रहा है। हालांकि उसने आपको रिटर्न जीरो से पहले सारा काम ओके करके दे दिया, लेकिन वो अपने पास ना एक एरर होल्ड कर लेता है कि भाई जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम था ना उसमें एक एरर है, ठीक है। इसलिए जीरो जो हम राइट करते हैं वो कंपाइलर को ये बताती है कि भाई आपका प्रोग्राम 100% ओके विदाउट एरर एग्जिट हो रहा है, और रिटर्न जीरो के अलावा कुछ भी आप राइट कर लें आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन कंपाइलर बैक एंड पर ये समझेगा कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एरर। इसकी भी समझ आ गई थी आपको? सबसे जो किसी भी आईडी में सूटेबल होगा या किसी भी आईडी में माना जाएगा, एक तो ये वाला इंटीजर के साथ आप ये वाले कर लें, ये सब में चलते हैं, और ये वाला तो 100% किसी भी एडिटर में ना ये एक्सेप्टेबल है। इसलिए आप ये जो ऊपर वाले ये है ना, इन्हीं को आप फॉलो करें, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वाइड वाला जो सा है वो डेफ सी में नहीं सपोर्टेड है, टर्बोस उसमें टर्बो सी में चलता है और विजुअल स्टूडियो में चलता है, और इंटीजर मेन या मेन के बगैर या डेफ सी में चलता है, टर्बो सी में नहीं चलता। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस होगी, या जिसको मैं मर्जी करें, इन तीनों में से आप अपनी हैबिट बना लेंगे, मैंने इन तीनों में से किसी में भी ना काम कर लेना, आपका काम 100% चल पड़ेगा। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट चीज़ आ गई जी, हम वाइड को देखते हैं। अब आप इसको देखें ना, यहाँ पर इंटीजर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेन का बता दिया, आर्गूमेंट सी का बता दिया, आर्गूमेंट वी का बता दिया, ये ब्रैकेट हमने रीड कर ली है, टर्मिनेटर भी पढ़ ली है, रिटर्न जीरो भी पढ़ ली है, और ये भी हो गया। अब उसके बाद जस्ट जो रह गया ना, वो हमारा रह गया वाइड। व्हाट इज वाइड? अब वाइड का क्या काम होता है जी? जी ये वाइड बेसिकली इंग्लिश के वर्ड से निकला हुआ है। जैसे वो कहते हैं नहीं, अगर आपके किसी के साथ नाराजगी चल रही है, आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो, वो कहता है कि ये मुझे बंदा ना अवॉइड कर रहा है। अवॉइड मीन्स इग्नोर कर देना। अब अवॉइड आप किसी भी चीज़ के साथ लिखते हो ना, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी में बता दूं क्या होती है। वाइड इज ए रिजर्व वर्ड एज वेल फंक्शन नेम। वाइड फंक्शन का नाम भी होता है। इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जस्ट लाइक ए प्रोसीजर। अभी आपको प्रोसीजर प्रोसीजर का भी नहीं पता होगा, फंक्शन का ही पता है, तो इसलिए आपको यही समझेंगे वाइड फंक्शन जो था, या वाइड लिखते हो ना आप, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब आपने जो अपनी प्रैक्टिस की होती है ना, वो आपने यही लिखा होता है वाइड मेन, इसके साथ दूसरी आप प्रैक्टिस करते हो इंटीजर मेन के साथ, और उसमें आप रिटर्न, ये एक ही लाइन में लिख देता हूँ जी, इस तरह आप राइट करते हो रिटर्न जीरो, आप इसमें राइट करते हो। आपने कभी ये वाली चीज़ ट्राई की है करेक्टर मेन, इसमें आपने सारे का सारा कोड रख दिया हो, यहाँ पे आपने रिटर्न करवा दिया हो ए, यानी कि ये चीज़ आपने मेन से पहले कभी करेक्टर में टाइप करके देखा है? डेफिनेटली नहीं देखा होगा। यहीं पे मैं आपको राइट करके बताता हूँ, ये मैंने लिखा जी इससे पहले करेक्टर, मैं इधर रिटर्न करवाता हूँ ए, ठीक है। यानी कि रेस्ट ऑफ द कोड जो था ना, वो मेरा सारे का सारा सेम है, उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको मैं 6-7 दफ़ा मैंने इस ना यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स को राइट कर दिया। अब इसको मैं बिल्ड करता हूँ क्लीन करके, आगे अब जना जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें जी, पहले आपने जितनी प्रोग्राम्स किए हैं ना, वो आपने इंटीजर मेन और वाइड मेन के साथ किए हैं,
यहाँ पे मैंने आपको करेक्टर मेन के साथ करके दे रहा हूँ कि देखते हैं कि इससे कोई एरर तो नहीं आता। अब ये देखें जी, आपने करेक्टर के साथ भी किया ना, तो 100% आपका प्रोग्राम रन हुआ है विदाउट एनी एरर। वेलकम 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 वेलकम, जो भी आपने उसमें स्टेटमेंट्स लिखी है ना, वो उसने आपको रन करके बताई है। दैट इज, इसका मतलब ये कि आप मेन के पीछे जो भी डेटा टाइप दोगे ना, वही आपने नीचे उसको जाकर रिटर्न करवानी है। इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये करेक्टर के साथ भी लिखना, दैट इज कंसिडर्ड एज ए बैड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है आप ये काम कर रहे हो, लेकिन कंपाइलर के ऊपर लोड होता है। ठीक है, जब भी आपने प्रोफेशनली कोड लिखना है, आपने हमेशा इस स्ट्रक्चर में लिखना है, इन में से किसी एक को आपने फॉलो करके लिखना है। यहाँ तक बातें सारी क्लियर हैं?